राज्यों से यहाँ पे काम करने के लिए आए से भाइयों को मेरा प्रणाम। आप सबको मालूम है हमारा चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना की गवर्नमेंट का परसों एक स्टेटमेंट दिए गए, उस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग भी ऑलमोस्ट 18 ट्रेन 25,000 लोगों को अपने अपनी राज्यों को भेजे गए। वो मध्य प्रदेश का होने दो, बिहार का होने दो, यूपी का होने दो, राजस्थान का होने दो, उन सब राज्यों को हम लोग यहाँ से तेलंगाना स्टेट से भेजे गए। बट अभी हमको हमारा चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 40 ट्रेन की इंतज़ाम किए गए। अभी हमारा दूसरे राज्यों से भी हमको अनुमति चाहिए, हमको उनका परमिशन भी चाहिए आपको भेजने के लिए। बट अभी तक यहाँ वो राज्यों में बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टेट से आ रहे, उसके कारण से हमको परमिशन मिलने के लिए बहुत सारे टाइम ले रहे। इसलिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने अपने काम में रह जाइए, अपने अपने काम कर दीजिए। और हम लोग भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। अब उनकी जब उनका बारी आते तो उनको हम लोग उनका स्टेट को भेजता हूँ। जब तक आप लोग अपने अपने कैंप में रह के काम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ तेलंगाना को होने दो, नहीं तो कर्नाटका महाराष्ट्र से अपने अपने स्टेट से निकल के हैदराबाद होते अपने अपने स्टेट जा रहे। आप लोग अपने जाने से अपना जान भी जान में खतरा हो सकता है, क्योंकि आज भी सुबह महाराष्ट्र में एक ट्रेन के एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट 15 लोग मर गए। हमारा पास भी एक एक्सीडेंट्स में एक आदमी मर के 4 लोग घायल हो गए। इसलिए और बहुत सारे लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स के डिहाइड्रेशन की वजह से, बिकॉज बहुत धूप है, इस धूप में आप लोग अपना अपना गांव को पहुंचने के लिए आप 1500-1600 किलोमीटर चल रहे, उसके हिसाब से आप अपना जान में भी खतरा हो सकते। इसलिए आप लोग मत जाइए। और जो वहाँ पे है, ये जो यहाँ पे काम करने के लिए आया भाइयों का पेरेंट्स होने दो, रिलेटिव्स होने दो, फ्रेंड्स होने दो, आप लोग रोज़ उनको फ़ोन करके सताइए मत उनको आने के लिए, नहीं तो कैसे भी करके आ जाओ यहाँ पे अच्छा है करके ऐसी बातें मत करिए। क्योंकि ये कोरोना वायरस सारा देश में ऑलरेडी हम लोग बहुत नुकसान हुआ है, अभी भी उनका हमको कोरोना वायरस से खतरा है। ये लोग अपने अपने राज्यों से जाने से ये वायरस भी स्प्रेड होने का चांस है। यहाँ पे वहाँ पे वो गांव में नहीं हो सकता, ये लोग यहाँ से जाने से भी उन लोगों को अपने अपने फैमिलीज को अपने अपने पेरेंट्स को उनको खतरे में डाल सकते। सो ऐसे जाने से भी बहुत नुकसान हो सकते हैं। ऑलरेडी हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत सारे इंतज़ाम किए गए, आपको अभी तक 2 बार 12 kg राइस दिए गए, 2 बार आपको पैसा दिए गए। और हम लोग भी कल भी ठेकेदार से इंडस्ट्री से डेवलपर से भी हम लोग मीटिंग किए गए, उनको भी बताया गए आप लोगों को अच्छा से इंसेंटिव देने के लिए, अपना सैलरी देने के लिए, आपको देखने के लिए, सब वेलफेयर का इंतज़ाम करने के लिए भी हम लोग सब उनको आदेश दिए गए। इसलिए आप लोग परेशान हो के आप लोग स्टेशन के मत आ जाइए, और अपने आप लोग चलने के लिए भी ट्राई मत करिए, आप जाने से भी आपको खतरा हो सकते हैं। आप यहाँ आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किए गए, उसके हिसाब से हम लोग ऑलरेडी ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। सो आप लोग यहाँ पे रह के काम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपना बारी आए तो डेफिनेटली हम लोग आपको कैंप को आके आपको घर को आके हम लोग लेके अपना अपना स्टेट में वो भी फ्री और सब फूड और फ्रूट्स का इंतज़ाम करके आपको भेजे जाते हैं। सो आप लोग अपने कैंप में रहने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।